हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो है एक कंप्लीट सीरीज चलेगी, जिसमें हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है राजीव वहीर जी की, उसको मैं लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक पोर्शन उस बुक का मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और जो है लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी मैं, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी, जो कैंडिडेट कह लीजिए या जो मेरे जो भाई बहन हैं, जो लोग वर्किंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, या फिर जो बहनें हैं, जो लड़कियां जो हैं, वो लोग जैसे कि उनको घर का भी कामकाज देखना पड़ता है, या जो शादीशुदा लोग हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं रह पाता है कि वो लोग पूरे बुक को थोरोली पूरा रीडिंग कर सके या इस बुक को पूरे अच्छे से पढ़ सके। तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है कि वो अपने कामकाज करते हुए चाहें तो इस यूट्यूब के लेक्चर को लगा के और अपने कामकाज को भी कर सकती हैं, या फिर जो मेरे दोस्त यार कह लीजिए, या फिर जो भी मेरे भाई हैं, जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फुल टाइम जॉब में हैं, तो अगर वो जैसे अपने जॉब जा रहे हैं, बस में हैं, तो इस वीडियो को लगा के देख सकते हैं और उनका जो है ये बुक धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट भी हो जाएगा, और वो भी बिना इसके लिए एफर्ट डाले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करूँगा यूनिट 5 से, क्योंकि देखिए ये जो है आपको ये तरीका है अरोड़ा आईएएस का, कि जिससे कि आप कम एफर्ट में कैसे जो है सबसे ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकें। तो चैप्टर 10 से हम शुरू करेंगे यूनिट 5, जहाँ पे दिया गया है द स्ट्रगल बिगिन, कि कहाँ से किस तरीके से हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, वो किस तरीके से शुरुआत हुआ, कैसे हमारे अंदर राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो चैप्टर आज मैं जो डिस्कस करूँगा, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद है भारत में, उसकी कैसे, किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं, और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को, अगर आपको पसंद आए और आपके जो भी कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे और जो मेरे भाई बहन हैं उन तक भी ये इनिशिएटिव पहुँच जाए, वो लोग भी इसका बेनिफिट अच्छे से उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो हेडिंग है इस बुक की, उसमें क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर की, कि फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, कि क्या क्या फैक्टर थे, किस तरीके से जो आधुनिक राष्ट्रवाद था, या कह लीजिए मॉडर्न नेशनलिज्म जो था, वो कैसे हमारे देश के लोगों में आया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो राइज हुआ या जो ग्रोथ हुआ इंडियन नेशनलिज्म का, ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ, वो जो है जो ब्रिटिश राज जो था उसके द्वारा, जो भी उसके द्वारा नए इंस्टीट्यूशन, नए अपॉर्चुनिटी, या जो भी नए नए रिसोर्सेस थे, जो भी उसके द्वारा खोजे गए, या फिर कह लीजिए आप जो भी नए नए रिसोर्सेस उसके द्वारा बनाए गए, उसी के वजह से हमारे देश के लोगों में ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो हमारे देश के लोगों के भीतर आया। अगर दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ मैं, इसमें जिस तरीके से दिया गया है, कि इन अदर वर्ड्स, इंडियन नेशनलिज्म किस वजह से आया, जो भी कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिसीज थी, उसके रिएक्शन के तौर पे, मतलब उसके खिलाफ जो रिएक्शन जो हुआ हमारे देश के लोगों के बीच, उसके वजह से जो है ये मॉडर्न नेशनलिज्म कह लीजिए, या जो राष्ट्रवाद की जो पॉलिसी, मतलब जो फीलिंग है, वो हमारे लोगों में आई। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, खाली उसी की देन नहीं थी नेशनलिज्म, या फिर जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो जो है, और भी कई ढेर सारे फैक्टर्स थे, उसके वजह से भी ये फीलिंग हमारे लोगों में आई। अब वो क्या क्या था, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पूरा
पूरे विश्व में जो आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चला उसके वजह से पूरे विश्व में जो है नेशनलिज्म काफी ज्यादा लोगों के भीतर बढ़ा। उसके बाद इंडियन रिनेजेंस मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, मतलब कि लोग जो हैं जो हमारे जो भारत के जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जो मॉडर्नाइजेशन जो किया गया अंग्रेजों द्वारा या जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो भी मॉडर्नाइजेशन किया गया हमारे देश में, उसके रिएक्शन के वजह से नेशनलिज्म आया हमारे इन देश के लोगों मतलब भारत के लोगों के अंदर। या फिर और कौन सा कारण है, जो भी ब्रिटेन की या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिसीज थी ठीक है उसके विरुद्ध में जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग आई या नेशनलिज्म की फीलिंग आई। उसके बाद देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें बताया गया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि देखिए लोगों के भीतर लोग ये समझ गए थे कि जो कॉलोनियल रूल है जो अंग्रेजों का जो रूल है वही हमारे देश के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए मतलब हमारे देश की जो आर्थिक बदहाली जो थी उस समय उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों का रूल ही था। ठीक है दोस्तों, अब इसके वजह से जो जितने भी हमारे सोसाइटी के जितने भी सेक्शन थे या जितने भी क्लासेस थे, चाहे वो आप पीजेंट्स कह लीजिए या आर्टिसंस कह लीजिए, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो वर्कर्स थे या जो इंटेलेक्चुअल थे, जो एजुकेटेड लोग थे या जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी थे, इन सभी का हालत क्या था, काफी बदहाल था। ठीक है, तो लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि ये किसके कारण है, ये अंग्रेजों के वजह से है, अंग्रेजों के रूल के वजह से है। अब देखिए दोस्तों लोगों के मन में ये भी ख्याल आ गया कि जब तक जो है हमारे देश में जब तक ये ब्रिटिश हुकूमत रहेगी या अंग्रेजों का शासन रहेगा तब तक हमारी जो आर्थिक बदहाली है वो खत्म नहीं होगी। ठीक दोस्तों, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश जागने लगा, उनके मन में भारत के लिए राष्ट्रवाद जागने लगा। अब देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें बताया गया किस तरीके से पॉलिटिकल, अगर हिंदी में कहें तो राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और जो इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक यूनिफिकेशन मतलब का एकीकरण मतलब एक करना पूरे देश को, किस तरीके से पॉलिटिकल रूप में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में या इकोनॉमिकली रूप में किस तरीके से पूरे देश को एक किया गया। तो देखिए दोस्तों जो ब्रिटिश रूल था वो हमारे देश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से कहाँ तक था, जो हिमालय है हिमालय के नॉर्थ से लेके जो कैप कैमोरिन है साउथ में वहां तक था। ठीक है, नॉर्थ से साउथ के बीच में, और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करूं तो जो असम है असम से लेके जो खाइबर पास है कहां पे वेस्ट में पश्चिम में वहां तक फैला हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेजों का शासन था पूरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, पूरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही पूरे भारत को यूनिफाई किया था, ये जो है काफी ज्यादा यूनिफाई किसके द्वारा किया गया था, सिंगल रूल मिलाया गया था इंडिया को मौर्य वंश के द्वारा, मौर्य के द्वारा या फिर कह लीजिए जो मुगल्स थे, मुगल्स ने भी काफी ज्यादा यूनिफिकेशन किया था इंडिया का। लेकिन अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने जो मौर्य थे या जो मुगल्स थे उनसे भी ज्यादा बड़ा स्टेट बनाया भारत को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो इंडियन प्रोविंस थे वो डायरेक्टली किसके रूल में थे, ब्रिटेन के रूल में थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर, आपको पता होगा जब हमारा जब भारत जब आजाद हुआ, जब इंडिया जब इंडिया को जब फ्रीडम जब मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कितने प्रिंसली स्टेट थे और कौन कौन से वो स्टेट थे जो कि भारत में खुद से मिल गए और किसको किसको जबरदस्ती आप कह लीजिए या किसी और तरीके से मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यही बात कही जा रही है कि जो प्रोविंस थे जो प्रांत थे वो तो डायरेक्टली रूल वहां किसके द्वारा किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर वो सब इनडायरेक्ट रूल उस पर कौन कर रहा था, ब्रिटिश रूल था। ठीक है, मतलब वहां पे राजा तो रूल करता था लेकिन राजा भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कठपुतली था, किसका, अंग्रेजों का। अब देखिए दोस्तों जो अगली लाइन उसमें ये कहा गया है कि जो ब्रिटिश स्वॉर्ड मतलब कि जो अंग्रेजों की जो तलवार है उसने हमारे पूरे देश को पॉलिटिकली रूप से क्या क्या यूनाइट किया, एक किया पूरे देश को, एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस भी आया, एक यूनिफाइड जुडिशरी भी बनाया गया और सबके लिए समान सिविल और क्रिमिनल लॉ पूरे पूरे देश में
बनाए गए, ठीक है। मतलब कि वो चाहे वो आप साउथ में रहिए, चाहे साउथ इंडिया में रहिए, चाहे नॉर्थ इंडिया में, चाहे ईस्ट इंडिया में, चाहे वेस्ट इंडिया में, आपके ऊपर वो सभी लॉ एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए या फिर मिलिट्री डिफेंस के लिए, जो भी आपके जो रोड वगैरह बनाए गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि रेलवे रोड, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीग्राफ का अंग्रेजों द्वारा, ये भी जो है, ये भी किसके द्वारा किया गया, ये सभी चीज़ें की गई अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। भले ही उनके ही फायदे के लिए, लेकिन हमारे देश में उन्होंने इन सभी चीज़ों की शुरुआत करी। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम किसी नेशनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का, इसके जो है दो प्रकार थे। अब ये क्या थे, तो देखिए मान लीजिए कि जो भी अगर किसी दूसरे रीजन में, हमारे देश का आपको ही पता है काफ़ी बड़ा है, अगर किस जैसे कि अगर हमारे साउथ में कोई क्रॉप अगर खराब हो गई, फसल अगर खराब हो गई वहाँ पे, तो जो सप्लाई जो रहती थी दूसरे रीजन में या नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए, या जो प्राइस जो रहती थी, ठीक है, उसके मूल्य जो है सामान का, वो अदर रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता था। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो हमारे देश के जो लोग थे अलग अलग रीजन के, वो एक दूसरे से लिंक हो गए। उसके बाद देखिए, जो आधुनिक काल का जो भी ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन का जो जरिया जो था, उसके वजह से अलग अलग जगह के लोग, खासकर जो लीडर्स थे अलग अलग रीजन के, अलग 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 जगह के, वो लोग एक साथ आए, ठीक है। वो सभी लोग अलग अलग रीजन के लोग एक साथ आ पाए, और इसके ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके वजह से जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ थी, ठीक है, या जो भी मोबिलाइजेशन करना था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी पब्लिक ओपिनियन को लेना हो किसी भी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक इशू पे, मतलब राजनीतिक इशू पे, या फिर आर्थिक कोई इशू हो, तो उस पे जो है उसके लिए ये जो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो डेवलप किया गया अंग्रेजों द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। अब देखिए दोस्तों, अब जो अगली जो हेडिंग है वो बताया गया है कि वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारे देश में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो आया, उसके वजह से हमारे देश के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब कहें तो मौका मिला, कि जिससे कि वो लोग जो भी वेस्टर्न आइडियाज थे, मतलब कि जो पश्चिम, जैसे कि यूरोपियन कह लीजिए आप, यूरोप के देश के जो भी आइडियाज थे, पॉलिटिकल आइडियाज, उनको हम लोग अब समझ सकते थे। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारे जो भारत के लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, उसमें एक न्यू डायरेक्शन आया, उसमें एक नई दिशा आई। अब देखिए, जो अंग्रेज थे, इंग्लिश सिस्टम जो था एजुकेशन का, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलन में लाया जा रहा था रूलर्स के द्वारा। और ये क्यों ले आया जा रहा था, ये ऐसा नहीं कि हमारे विकास के लिए, ये इसलिए लाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, जिससे कि वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करना जो चाह रहे थे हमारे देश में, वो काफ़ी अच्छे से हो सके, वो अपने मतलब उनके वो लोग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन वो जो एजुकेशन सिस्टम था, उसने जो है हम लोगों को, हमारे जो भारत के जो लोग थे, उन लोगों को जो वेस्टर्न आइडियाज थे उसके तरफ भी खींचा उसने। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो लिबरल या फिर जो रेडिकल थॉट थे यूरोपियन राइटर्स के, जैसे कि मिल्टन, सेले, जॉन स्टॉर्ट मिल, रॉसे, पेन, स्पेंसर और वोल्टेरे, तो इन सब आइडिया ने हमारे देश के लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग लाई, मॉडर्न, रेशनल, सेकुलरिज्म की फीलिंग लाया, उसका डेमोक्रेसी की फीलिंग लाई, और नेशनलिस्ट आइडियाज मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग इन लोगों के वजह से हमारे देश में आई। क्योंकि लोग उनको ये जो भी थे आपके, जैसे कि जो मिल्टन थे, सेले, जॉन स्टॉर्ट मिल, इन लोगों को समझने की लोगों ने कोशिश की, इनके पॉलिटिकल आइडियाज को समझने की लोगों ने कोशिश की। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो था, उसने जो भी अदर अदर जगह के, अदर अदर रीजन के, जैसे कि आपको पता होगा साउथ में लोग तेलुगु ज़्यादा बोलेंगे, या तमिल बोलेंगे, या कन्नड़ बोलेंगे, लेकिन अगर वहीं यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ के लोग हिंदी समझेंगे, लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज था, इसको साउथ के भी लोग पढ़ रहे थे
और यूपी बिहार के लोग या फिर जो हम आप कह लिए पंजाब हरियाणा यहाँ के भी लोग पढ़ रहे थे। तो इस वजह से इस इंग्लिश लैंग्वेज के वजह से जो भी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर लीडर जो थे वो आपस में क्या कर पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। वरना वो साउथ वाले कन्नड़ बोलते और ये लोग हिंदी बोलते तो कहाँ समझ पाते लोग। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक तरीके से आपको इन लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बनी। अब देखिए दोस्तों, जो लोग एजुकेटेड थे जैसे कि जो प्रोफेशन जैसे कि जो लॉयर थे या जो डॉक्टर थे, वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, जो हमारे देश के जो लॉयर डॉक्टर जो होते थे भारतीय होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, इंग्लैंड जाते थे और आगे की पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन को लेने के लिए। तो वो लोग वहाँ पे देखते थे कि किस तरीके से जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है एक फ्री कंट्री में, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड तो गुलाम तो था नहीं, इंग्लैंड तो एक आज़ाद कंट्री थी, तो वहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा। अब देखिए वो लोग क्या करते थे कि वो लोग कंपेयर करते थे जो भारत की जो स्थिति थी, जो इंडिया के जो सिटीजन जो नागरिक थे उनका सिचुएशन, और जो वहाँ के जो इंग्लैंड के जो नागरिक थे उनका सिचुएशन, तो लोग वहाँ पे उसको कंपेयर करते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास था हमारे देश में, इसने क्या बनाया, मिडिल क्लास जो सोसाइटी थी उसको इस इंग्लिश एजुकेटेड क्लास ने बनाया। ठीक दोस्तों, अब ये जो था इंग्लिश एजुकेटेड क्लास, ये एक तरीके से न्यूक्लियस की तरीके से काम किया। जैसे कि आपने अगर एटम पढ़ा होगा तो एटम में आपको पता हो बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी जो था क्या, ये न्यूक्लियस था, ठीक है, ये न्यूक्लियस के तरीके से काम किया, जो कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो आई, जो राष्ट्रवाद का जो फीलिंग जो आया, उसके लिए इन्होंने न्यूक्लियस के तरीके से काम किया। ठीक दोस्तों, अब ये जो थे जो आपके जो एजुकेटेड जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास जो था, इसने प्रोवाइड क्या किया, हमारे देश में जो इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उसमें इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या रोल था प्रेस और लिटरेचर का। तो देखिए, जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उस समय क्या हुआ था, देखिए जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उस समय जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर कह लीजिए और जो वर्नेक्युलर, वर्नेक्युलर मतलब कि वहीं के भाषा जो लोकल लैंग्वेज का, ठीक है, न्यूज़पेपर जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। ठीक है, काफ़ी ढेर सारे आपको प्रेस मतलब आपको लिटरेचर या फिर प्रेस आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर उस समय छापे गए। ठीक है, भले ही उस समय काफ़ी ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए जा रहे थे प्रेस के ऊपर अंग्रेजों द्वारा समय समय पर, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, अनप्रिसिडेंटेड ग्रोथ हुआ उस समय। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 1877 में क्या होता है कि 169 न्यूज़पेपर जो कि किस लैंग्वेज में पब्लिश की जा रही थी, वर्नेक्युलर लैंग्वेज में, मतलब कि वहां के लोकल भाषा में, ठीक है, तो 1877 में कितने न्यूज़पेपर हो गए थे, 169 न्यूज़पेपर। आप सोचिए उस जमाने में 169 न्यूज़पेपर थे, और ये कितने लोगों तक पहुंचते थे, लगभग 1 लाख लोगों तक, ठीक है दोस्तों, पहुंचाए जाते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रेस जो था ये क्या करता था, ये क्रिटिसाइज करता था जो भी ऑफिशियल जो पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, उसको एक तरफ, वहीं जो हम वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो जो हमारे देश के जो लोग थे उनको ये यूनाइट इनको उनको जो है एक होने को कहता था। अब देखिए, ये जो प्रेस था ये और भी ज़्यादा मदद हेल्प कहाँ करता था, जो मॉडर्न आइडिया थे उनको स्प्रेड करने में, उनको फैलाने में, जैसे कि जो सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों को फैलाने में, इन सब चीज़ों को स्प्रेड करने में भी प्रेस का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं द न्यूज़पेपर। अब देखिए, जो भी न्यूज़पेपर थे या जो जर्नल थे, जो पैम्पलेट थे, और जो भी नेशनलिस्ट मतलब जो राष्ट्रवादी लिटरेचर थे, इसके वजह से जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, ठीक है, जितने भी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे अलग अलग रीजन से, उनके जो भी पॉलिटिकल आइडियाज थे एक दूसरे से वो लोग एक्सचेंज कर पाए। अब हम बात करें दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडियंस पास्ट। अब देखिए दोस्तों, जो हिस्टोरिकल जो इतिहास का जो रिसर्च जो किया गया, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जैसे कि मैक्स मुलर, मॉनियर विलियम्स, रोथ, सेसन, या जो भी इंडियन स्कॉलर थे, जो कौन थे, जैसे आर जी भंडारकर, आर एल मित्र या फिर स्वामी विवेकानंद, इन्होंने हमारे देश का जो भूतकाल था या फिर जो भारत का जो पास्ट जो था, ठीक है, इंडिया का जो पास्ट जो था, उसके बारे में इन्होंने एक अलग ही पिक्चर इन्होंने बताई लोगों को। क्योंकि देखिए, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का पहले का मानना था कि अरे ये काफ़ी गरीब देश है, यहाँ के लोग असभ्य हैं, लेकिन जब इन्होंने दोबारा जब रिसर्च जब करी अंग्रेजों ने, और जो भारत के जो स्कॉलर थे, जो इंडियन स्कॉलर जो थे, जैसे कि आर जी भंडारकर,
आरएल मित्र और जो स्वामी विवेकानंद, इन्होंने एक अलग ही पिक्चर प्रस्तुत की। अब उन्होंने क्या बताया तो देखिए, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो इंडिया का जो पास्ट जो था उस समय, यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन थे। हमारे यहाँ पे मतलब विदेशों से भी, आउटसाइड वर्ल्ड से भी ट्रेड किया जा रहा था। हमारा जो आर्ट और कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच था, हमारे पास एक रिच हेरिटेज था आर्ट एंड कल्चर का। और हमारे यहाँ पे कई बड़े बड़े नूमरस कई मतलब बड़े सिटीज भी थे, ठीक है दोस्तों। और ये जब जो भी थ्योरी थी, ये किसके द्वारा आगे रखी गई? यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा। उसके बाद देखिए, ये भी माना गया कि जो इंडो आर्यन जो थे, ये लोग उसी ग्रुप के थे, उसी एथनिक ग्रुप के थे जो कि जिसके जो है, जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग जो हैं, वो लोग जिस एथनिक ग्रुप के हैं, उसी ग्रुप के इंडो आर्यन भी उसी एथनिक ग्रुप के हैं। ये भी बात यहाँ पे बताई गई। तो इसके वजह से जो एक जो भी एजुकेटेड इंडियन जो था, जो भी पढ़ा लिखा जो भारतीय था, भारत का जो वासी था पढ़ा लिखा, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल बूस्ट आया। उसको लगा कि हाँ, कि हम लोग भी तो काफ़ी ज़्यादा विकसित थे अपने पुराने ज़माने में, और आज हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अंग्रेज हमको जो है दबाते चले गए। अब देखिए दोस्तों, इसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारे देश के जो लोग थे, उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आई, कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, जिसके वजह से हमारे देश के देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग आई। और एक ये भी जो झूठ जो था, जो कि जो अंग्रेज थे उसके उनके द्वारा जो फैलाया जा रहा था कि हमारा भारत जो था हमेशा से ही गुलाम रहा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। तो लोगों के अंदर क्या है कि कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम लोग भी तो पहले काफ़ी विकसित थे। अब देखिए, अब जो अगली जो हेडिंग है उस वो क्या है, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में कई ढेर सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी चलाए गए। मतलब कि उसमें क्या कि हमारी सोसाइटी के या जो हमारे जो रिलीजन्स में जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी इविल्स थे, उन सबको हटाया गया, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारी जो भारत की जो सोसाइटी थी, उसके अंदर जो डिवीजन जो था वो भी खत्म किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग सेक्शन था हमारी सोसाइटी का, वो एक साथ आके खड़ा हो पाया, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हमारे देश में, हमारे भारत के लोगों में राष्ट्रवाद लाने के लिए। अब आगे बात करेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंसिया मतलब कि बुद्धिजीवी, मतलब कि जो मिडिल क्लास के जो भी पढ़े लिखे जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनका भी राइज हुआ, वो लोग भी आगे बढ़े या आगे बढ़ चढ़ के वो लोग आए। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, या जो भी इनके जो इकोनॉमिक इनोवेशन थे, इसके वजह से एक नया अर्बन मिडिल क्लास जो है टाउन में उभर के आया। अब देखिए, जो पेरकिवल स्पीयर थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो नया जो मिडिल क्लास था, वो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक वेल इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास के रूप में उभर के आया, ठीक है दोस्तों। और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग थे। अब देखिए, ये लोग जो थे, इनके अंदर एक कॉमन क्या था, मतलब ये लोग थे तो अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन इनके अंदर कॉमन क्या था, इनके अंदर कॉमन था नॉलेज, आइडिया और वैल्यूज जो थे इनके, ये कॉमन थे। तो देखिए, ये जो थे, ये जो क्लास थी, माइनॉरिटी थी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक माइनॉरिटी थी। मतलब ये लोग बढ़ चढ़ के बढ़ावा दे रहे थे नेशनलिज्म को, और इनके वजह से एक यूनिटी की, मतलब ये लोग हमारे देश में क्या लेके आए, एकता लेके आए, यूनिटी की होप लेके आए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये जो क्लास था मिडिल क्लास, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, ये जो थे, ये लोग शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, इनके पास नया पोजीशन था, और इनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज टाइज होता था जो भी रूलिंग क्लास होता था उसके साथ, ठीक दोस्तों। अब ये जो लीडरशिप था मिडिल क्लास का, इसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को हर एक स्टेज में, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या प्रोवाइड किया, लीडरशिप प्रोवाइड करी, ठीक है दोस्तों, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ग्रोथ प्रोवाइड कराया गया इस क्लास के द्वारा, जो मिडिल क्लास जो आपका था भारत का, जो नया जो मिडिल क्लास जो है, क्यों, क्योंकि ये जो था, ये जो क्लास था, ये काफ़ी नॉलेज से भरा हुआ था, आइडिया थे इनके पास, वैल्यूज थे, और साथ ही साथ ये लोग एजुकेटेड भी थे। चलिए आप बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट था, जो भी कंटेम्प्ररी मूवमेंट जो चल रहे थे पूरे विश्व में, कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, मतलब उस समय जो भी वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही थी। तो देखिए, जो जो आपका जो साउथ अमेरिका जो था, साउथ अमेरिका में पहले किसका रोल था, स्पेन और पुर्तगीज एम्पायर का, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि
जब इन लोगों का जब इन लोगों के रूल का जब एंड हुआ, इन लोगों के रूल की जब समाप्ति जब हुई, तो उसके वजह से कई नए नए जो नेशन थे या जो राष्ट्र थे वो लोग उभर के आए। उसके साथ ही देखिए जो ग्रीस है, ग्रीस को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनान, और जो इटली है, इनके अंदर जो भी आपके जो आंदोलन जो कराए गए, कौन से लिबरेशन के मूवमेंट, मतलब कि स्वतंत्रता के जो आंदोलन जो कराए गए, और साथ ही साथ जो आयरलैंड आयरलैंड में जो भी आपके घटनाएं हुई, उसके वजह से भी हमारे देश के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की काफी ज्यादा फीलिंग आई। अब बात करेंगे रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेसियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। अब हम इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करें। अब देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के अंदर क्या था कि वो अपने आप को वाइट बोलते थे, मतलब कि वो लोग क्या मानते थे कि जो वाइट है, वाइट सुपीरियर है, कि जो गोरे हैं या जो अंग्रेज हैं वो सुपीरियर है जो भी हमारे देश के जो लोग हैं उनके मुकाबले। ठीक दोस्तों, तो इसके वजह से ये लोग क्या करते थे, हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लाते थे। तो इस वजह से हमारे देश के लोग काफी ज्यादा हर्ट हुए, ठीक है, जो इंडियंस थे काफी ज्यादा हर्ट हुए, काफी ज्यादा आहत हुए इन सभी चीजों के द्वारा। अब देखिए जो लिट्टन थे, लॉर्ड लिट्टन की जो भी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, जैसे कि जो रिडक्शन जो किया गया, मतलब जो कम जो किया गया, क्या जो मैक्सिमम एज था इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यही जो आप लोग जो आईएएस जो है आज, पहले अंग्रेजों के समय क्या हुआ करता था, ये आईसीएस कहा जाता था इसको। तो पहले इसका एज था 21 ईयर्स, इसको घटा कितना कर दिया गया लिट्टन द्वारा, 19 ईयर कर दिया गया 1876 में। उसके बाद देखिए जो ग्रैंड दिल्ली दरबार जो आया 1877 में, उस समय जो है हमारे देश में क्या थी, काफी ज्यादा मतलब भुखमरी आ गई थी, ठीक है, क्योंकि उस फसलें क्या हुई थी, बर्बाद हो गई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया, मतलब एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1877। तो लोगों को ये चीजें बुरा लगी कि कहाँ, जहां लोग भुखमरी से जी रहे हैं, वहां पे ये लोग जो है एक दरबार, वो भी काफी भव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ, एक तो इन्होंने जो व्हाइट सुपीरियरिटी थी, इसके वजह से लोगों के भीतर गुस्सा भरने लगा। उसके बाद जो इंडियन सिविल सर्विसेज के का जो एज जो लिटन के द्वारा जो कम किया गया, 21 से करके 19 कर दिया गया, उसका जो दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया कब, जिस समय हमारे देश में भुखमरी थी, और जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, और जो आर्म एक्ट आया 1878 में, ये इसके वजह से भी हमारे देश के लोगों के भीतर काफी ज्यादा गुस्सा, नाराजगी अंग्रेजों के खिलाफ आ गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद एक और जो कंट्रोवर्सी आई वो कौन से, इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी आई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो रिपन का जो गवर्नमेंट जो रहता है वो क्या चाहता है, वो एबॉलिश करना चाहता है, हटाना चाहता है जो कि जो भी जो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन था रेशियल डिस्टिंक्शन के बीच में। कहने मतलब ये था कि पहले क्या नियम था कि जो अंग्रेज थे, अगर कोई अंग्रेज कोई क्राइम करता है तो वो जो है जो जज जो रहेगा वो भी अंग्रेजी होगा, ये बात कही जा रही थी, ठीक है। तो ये जो इल्बर्ट बिल था उसी को हटाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसको जो है अंग्रेजों ने अब मतलब लागू नहीं किया। और रिपन ने ये क्या कहा कि जो है हमको ये जो भी आप जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कर जो रहे हैं इसको हटाना चाहिए, और जो इंडियन मेंबर हैं उनको भी सेम पावर सेम राइट देना चाहिए जो कि जो यूरोपियन हैं उनको जो भी राइट्स मिलते हैं या जो पावर जो मिलते हैं वो सभी इंडियंस को भी प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद देखिए रिपन ने मॉडिफाई किया बिल को। अब मॉडिफाई क्यों किया, मॉडिफाई इसलिए क्योंकि जो है जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन कम्युनिटी जो थी वो इस इल्बर्ट बिल का काफी ज्यादा मतलब अपोज कर रही थी इस बिल को। तो जो इसका जो ओरिजिनल पर्पज जो था बिल का वो पूरा नहीं हो पाया, और जो है रिपन को क्या करना पड़ा, रिपन को इस बिल को, इल्बर्ट बिल को मॉडिफाई करके फिर इसको पास किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोगों के समझ में ये बात आ गई कि, और जो भी जो राष्ट्रवादी थे उनके समझ में ये बात आ गई कि जहां भी यूरोपियन कम्युनिटी का इंटरेस्ट, मतलब यूरोपियन कम्युनिटी का, यूरोपियन का फायदा अगर नजर अगर आएगा उनको, तो वहां पे आपको, आप चाहें तो अगर आपको न्याय मिले, ठीक है, तो वो आपको कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए जो अंग्रेज जो थे, जो यूरोपियन कम्युनिटी जो थी, उन्होंने जिस तरीके से इल्बर्ट विल का विरोध किया था, इल्बर्ट विल को हटाने के लिए, उससे जो है हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट जो थे, उनको ये आइडिया मिला कि किस तरीके से अपने हक के लिए, अपने डिमांड के लिए
एजिटेट करना चाहिए, मतलब कि अपने हक के लिए या फिर अपने डिमांड के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जिस तरीके से अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल को हटाने के लिए लड़ाई करी, उसी तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। ये बात हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके समझ में सभी चीज़ें आई। अब देखिए दोस्तों, अब जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर, ये क्या डिस्कस करेंगे, जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे किस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। अब देखिए दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ऐसा नहीं था कि यही एक पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था हमारे देश में। इससे पहले भी हमारा जो 19th सेंचुरी के, मतलब हाफ अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के समय, और भी कई कई ढेर सारे एसोसिएशन बनाए गए थे। लेकिन ये जो एसोसिएशन थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड किसके द्वारा थे, जो मतलब वेल्दी, मतलब जो पैसे वाले लोग थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, ठीक है दोस्तों। और ये जो भी एसोसिएशन रहा करते थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, वो लोकल या फिर रीजनल फायदे के लिए ही बनाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका काम क्या था, तो ये लोग जो हैं अपने जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था उसमें लोग पिटीशन डालते थे अपने डिमांड के लिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, या फिर इंडियंस का एसोसिएशन हो एडमिनिस्ट्रेशन में, और एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बना सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया गया किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा, जैसे कि जो पढ़ा लिखा जो मिडिल क्लास था, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, जैसे कि जो लॉयर थे या जो जर्नलिस्ट थे या जो डॉक्टर हुआ करते थे, जो टीचर्स थे, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव मिला एक बड़े एजेंडा के लिए, एक बड़े जो है पर्पज के लिए। अब हम बात करें दोस्तों एक एक करके कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले। तो देखिए, जो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन कहाँ पे, बंगाल में। तो देखिए, जो द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, 1836 में जो राजा राम मोहन रॉय के जो एसोसिएट थे उनके द्वारा बनाई गई, क्या, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, ये बात याद रखिए, कब बनाई गई, 1836 में बनाई गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो क्या बनाई गई, जमींदारी एसोसिएशन बनाया गया, और इसको और किस नाम से जाना जाता था, लैंड होल्डर सोसाइटी के भी नाम से जाना जाता था। और ये किस लिए बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया जिससे कि ये सेफ गार्ड कर सके, क्या, जो भी इंटरेस्ट थे लैंड लॉर्ड के, लैंड लॉर्ड मतलब समझते होंगे, लैंड लॉर्ड मतलब होता है जो जमीन के जो मालिक जो होते हैं, तो उनके जो भी जो जमींदार जो थे, आप कह सकते जो जमींदार थे उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो सोसाइटी जो थी, ये एक तरीके से एक शुरुआत थी एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी की, और ये क्या यूज करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन को यूज करते थे, जिससे कि अपने जो भी इनकी जो भी ऑब्जेक्टिव है या इनका जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, कब बनाई गई, 1834 में इसको बनाया गया। और तो देखिए दोस्तों, ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई 1843 में, इसका क्या काम था कि जो भी एक्चुअल कंडीशन थी भारत के अंदर, भारत के लोगों की, उसको ये लोग, इन लोगों ने उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने इसको बनाया, ठीक दोस्तों। तो ये जो था, ये भी एक तरीके से ये लोग भी पीसफुल और लॉफुल तरीके से ही ये लोग भी काम करते थे। उसके बाद देखिए 1851 में क्या हुआ, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी, ठीक है, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों ही मर्ज हो गए। कब मर्ज हुए, 1851 में मर्ज हुए, और इन्होंने क्या बनाया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया। अब देखिए, इसने जो है, इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने एक पिटीशन भी भेजा, कहाँ भेजा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा, किस लिए कि ये लोग कुछ सजेशन इन्होंने भेजे, जो चार्टर जो आता है कंपनी का उसमें उसको जो रिन्यू करने के लिए कुछ सजेशन इन्होंने भेजे। अब क्या क्या सजेशन थे, जैसे कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर जो है इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने कहा, और इन्होंने ये भी कहा कि जो जुडिशियल, सॉरी, जो जुडिशियल जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए, एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। और ये भी कहा गया कि जो सैलरी है जो हायर ऑफिसर से, मतलब कि जो उच्च पद पे जो ऑफिसर या जो अफसर हैं, जो लोग विराजमान हैं या जो जो लोग हैं उनकी सैलरी में, उनका जो वेतन है उसमें कटौती की जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मांग करी कि जो साल्ट ड्यूटी है या जो अबकारी कर है या जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी हटाया जाए,
अब देखिए दोस्तों, जो चार्टर एक्ट आया 1853 में, इसमें इन चीज़ों को पार्शली, मतलब सभी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की गई, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। जैसे कि एडिशन किया गया 6 मेंबर, कहाँ पे, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए 6 मेंबर का एडिशन, मतलब 6 मेंबर और जुड़े। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, कब बनाया गया, 1866 में। कहाँ बनाया गया, लंदन बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, दादा भाई नरोजी के द्वारा बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी। तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, ये किसके द्वारा बनाया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया 1866 में, कहाँ पे, लंदन में। और ये क्यों बनाया गया, कि जिससे कि डिस्कस कर सके जो भी, मतलब जो भारतीयों का जो भी क्वेश्चन है या जो प्रश्न है उसको ये लोग डिस्कस कर सके, कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में डिस्कस कर सके किस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया का वेलफेयर किया जाए। और इन्होंने, मतलब कि ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था, इसका कई ढेर सारा ब्रांच भी खुला, जो हमारे देश के जो भी, जो इंडिया के जो भी प्रोमिनेंट सिटीज थे। उसका देखिए दोस्तों, इंडिया लीग बनाया गया 1875 में, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष। और इसका क्या काम था, कि ये लोग जो है स्टिमुलेट कर सके, क्या, जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर इंकरेज कर सके, और पॉलिटिकल एजुकेशन को भी इंकरेज कर सके। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया, सॉरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको भी बनाया गया। ठीक दोस्तों, और एक किसके बाद आया ये, जो जो इंडियन लीग था उसके बाद इसको बनाया गया। और कब बना, ये 1876 में बना। किसके द्वारा बनाया गया, जो यंगर नेशनलिस्ट थे, मतलब कि युवा राष्ट्रवादी थे, कौन, जैसे कि बंगाल में किसके द्वारा इसको लेड किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक दोस्तों, मतलब कि जो यंगर नेशनलिस्ट थे कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो किसने बनाया, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया। और क्यों बनाया, जिससे कि जो भी, जो ब्रिटिश इंडिया की जो भी पॉलिसीज थी उन सबको सुधारने के। अब देखिए दोस्तों, जो आपका जो इंडिया एसोसिएशन था, ये काफ़ी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन था। और इसका एम क्या था, कि ये प्रमोट कर सके एवरी लेजिटिमेट मीन्स, जैसे कि जो पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल या मटेरियल एडवांसमेंट हो सके लोगों का, मतलब कि हमारे देश के लोगों का विकास किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका एम क्या था, तो एम इसका क्या था, कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चंस है उस पे जो है जनता का ओपिनियन क्या है, उसको ये लोग आगे लेके आए, और हमारे देश में, देश को क्या करें, जो भी भारत के जो लोग हैं उनको यूनिफाई कर सके। ठीक है, एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत। उसका देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया एसोसिएशन जो था, इसने क्या क्या, जो इंडियन एसोसिएशन है, इसने क्या किया, इसने जो है, जो 1877 में जो आईसीएस एग्जाम के लिए जो एज, जो रिडक्स एज का जो रिडक्शन जो किया गया, जो एज को जो कम जो किया गया, ठीक है, तो उसका इसने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। ठीक दोस्तों, और इसने ये भी डिमांड किया कि जो आईसीएस एग्जाम जो होता है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है, उसको एक साथ कराया जाए। ठीक है, इंग्लैंड में भी कराया जाए और इंडिया में भी कराया जाए। ठीक दोस्तों, और इसने ये भी कहा कि जो भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें इंडियंस, मतलब भारतीयों की भी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी हो। और जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और जो आर्म्स एक्ट जो लाया गया था, उसका भी इसने काफ़ी ज़्यादा कड़े तरीके से विरोध इस एसोसिएशन ने किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो एसोसिएशन था, इसके ब्रांचेस भी ओपन किए गए बंगाल के अलग अलग सिटीज में, और बंगाल के बाहर भी काफ़ी ढेर सारे इसके ब्रांचेस खोले गए। उसके बाद देखिए, जो मेंबरशिप फी था इसका काफ़ी ज़्यादा लो था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया था इस एसोसिएशन का। क्यों, क्योंकि जिससे कि जो पुअरर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, वो भी इस एसोसिएशन का पार्ट बन सके। अब देखिए दोस्तों, ये जो एसोसिएशन जो था, इसने स्पॉन्सर किया क्या, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। अब इसने जो है स्पॉन्सर किया था किसको, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को। और ये जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में, कब, दिसंबर 28 से लेके 30 किस समय, 1883 में। अब देखिए, इस क्या नाम है, इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे हमारे देश के अलग अलग पार्ट से। ठीक है, हमारे देश के अलग अलग भाग से 100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे, अटेंड किया उन्होंने। इस वजह से दोस्तों देखिए, ये जो एसोसिएशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था। ठीक है, जिसके वजह से एक ऑल इंडिया नेशनलिस्ट
ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये उभर के आया। अब देखिए बाद में जो इंडियन एसोसिएशन जो था ये बाद में मर्ज हो गया किस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कब, 1886 में, ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, डब्ल्यू सी बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, और 1886 में ये जो था ये मर्ज हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि बम्बई में थे, तो देखिए पूर्ण सार्वजनिक सभा कब बनी है, 1867 में, किसके द्वारा बनाई गई, महादेव गोविंद रानाडे, या फिर और किस नाम से कहते हैं हम लोग, एमजी रानाडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या था, ये एक तरीके से ब्रिज के तौर पे काम करती थी, किसके बीच, गवर्नमेंट और लोगों, मतलब जनता के बीच में। उसका देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाया गया, कब बनाया गया, 1885 में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी टेलांग। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी टेलांग के द्वारा, कब बनाया गया, 1885 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि मद्रास में थे, तो देखिए मद्रास महाजन सभा बनाया गया था 1884 में, किसके द्वारा, एम वीरग वचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चल्लू के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीजें देखिए फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को आप कोशिश करिए कि मेमोराइज कर सके, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लेक्चर सुन लिए उसके बाद किताब में ये सभी फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, और हर कुछ कुछ दिन में जो है इसको आप बार बार पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपको खुद ये चीजें याद हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखिए हम बात करेंगे प्री कांग्रेस कैंपेन के बारे में, तो देखिए जो भी एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज ये लोग ऑर्गेनाइज क्या करते थे, काफी ढेर सारे अलग अलग कैंपेन ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन ये सभी क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के थे, ठीक है। और ये कैंपेन कौन कौन से थे, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाए कॉटन के ऊपर, ठीक है, मतलब जो विदेश से जो भी कॉटन जो आते थे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाया जाए, कब, ये कब कराया गया, 1875 में, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका इंडियनाइजेशन किया जाए 1879 में आया, जो लिट्टन का जो अफगान का जो एडवेंचर था उसके अगेंस्ट में, उसके बाद आर्म एक्ट 1878 में जो आया उसके विरुद्ध में या अगेंस्ट में, जो वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट था 1878 का उसके अगेंस्ट में, और एक राइट मिले, मतलब अधिकार मिले ज्वाइंट वॉलेंटियर कॉर्प्स को ज्वाइन करने का, इसके लिए भी, इस अधिकार को पाने के लिए भी इन लोगों ने काफी कैंपेन किया। और देखिए जो भी प्लांटेशन लेबर थे, ठीक है, और जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में ये लोग काफी कैंपेन किए, और जो इल्बर्ट बिल था, ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या था कि जो जुडिशरी है उसमें जो भी हमारे जो इंडियंस हैं उनको भी समान अधिकार मिले जो कि यूरोपियंस को मिलता है, ठीक है, तो इसके भी सपोर्ट में कैंपेन किए गए। उसके बाद देखिए एक ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन, इसको बनाया जाए, इसके सपोर्ट के लिए कैंपेन किया गया, और ब्रिटेन में भी कैंपेन किया गया कि प्रो इंडिया पार्टी एक बने उसके लिए। उसके बाद देखिए जो इन्होंने कई कैंपेन किए, किसके विरोध में, मतलब गवर्नमेंट के विरोध में भी कैंपेन किए, विरुद्ध में कौन कौन से, जैसे कि जो एज जो था मैक्सिमम एज आईसीएस एग्जाम में अपियर होने के लिए जिसको घटा दिया गया था उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन किया, जो इंडियन एसोसिएशन था उसने क्वेश्चन किया, उसने आवाज उठाया कि एक ऑल इंडिया एजिटेशन इसके खिलाफ चलाया जाए, और इसको जो है किस किस नाम से जाना गया, इंडियन सिविल सर्विसेज एजिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा जो चैप्टर नंबर 10 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समरी है, तो आप देखिए यहीं से समरी को ही पढ़ते हुए आप ये सभी चीजें अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करिएगा, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, क्योंकि देखिए अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा, अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ये इनिशिएटिव, तो मैं इसको जारी करते हुए कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका पूरा स्पेक्ट्रम जो है खत्म कर सकूं मैं, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और भी लोगों के लिए, तो अगर आप इसको शेयर करें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की काफी ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।